एवरीवन, जैसा आप सभी जानते हैं कि रूही मूवी सिनेमा घर में आ चुकी है और आप सभी इसके रिव्यूज का इंतजार कर रहे होंगे, तो हम है ना यार आपको रिव्यूज बताने के लिए। फिल्म में तीन मुख्य कलाकारों जैसे कि राजकुमार राव, जानवी कपूर और वरुण शर्मा ने अपने अपने हिस्से से अच्छा काम किया है। रूही एक छोटे शहर में रहने वाले दो लड़कों और उनके जिंदगी में आई एक लड़की की कहानी है। भूरा पांडे जो कि निभा रहे हैं राजकुमार राव और कट्टानी कुरेशी जो कि निभा रहे हैं वरुण शर्मा, कुछ अजीब परिस्थितियों में रूही जो कि निभा रही है जानवी कपूर के साथ फंस गए हैं। रूही को देखकर पहले यह लगता है कि काफी सीधी सादी सी लड़की है, लेकिन फिर उनकी दूसरी पर्सनालिटी सामने आती है, भूतिया चुड़ैल वाला रूप। इस पर्सनालिटी का नाम है अफजा। अब बुरा को रूही से प्यार हो जाता है और कट्टानी को अफजा से। इन तीनों के बीच रोमांस का यही कुछ उलझन चल रही है और ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है। राजकुमार राव पर्दे पर एक बार फिर स्मॉल टाउन बॉय वाली छवि लेकर आए हैं। रंगे हुए बाल और अपनी चुटीली हंसी के साथ वह कैरेक्टर में जमते हैं। हालांकि कई मौके पर वह स्त्री फिल्म में अपने कैरेक्टर से मेल खाते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने अंदाज और बॉडी लैंग्वेज से यह कोशिश करते रहते हैं कि दर्शकों को दोहराव ना लगे। वरुण शर्मा की कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त है, उनके एक्सप्रेशन देखकर आपकी हंसी छूट जाती है। जबकि रूही हो या अफजा, दोनों ही कैरेक्टर में जानवी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। फिल्म में वैसे तो हंसने और हंसाने के कई मौके हैं, लेकिन इसमें दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इसे लेकर टाइटैनिक तक के आइकॉनिक सीन्स को लेकर भी हंसी का पुट जोड़ा गया है। कई फन वन लाइनर्स दिए हैं जो आसानी से दर्शकों को हंसाने में कामयाब हो जाएंगे। रूही में तमाम एंटरटेनमेंट के साथ खुद से प्यार करने का मैसेज भी दिया गया है। यह एक हद तक तो ठीक है, लेकिन इसी मैसेज के साथ अंत डायरेक्टर के लिए सुविधाजनक सा है, लेकिन इसी मूवी में कई पंच की कमी जरूर चलती है।